जांजगीर चांपा जिले में रेत का अवैध उत्खनन और बिना रॉयल्टी परिवहन का कारोबार जमकर चल रहा है। खनिज विभाग के निष्क्रियता के कारण खनिज माफियाओं का हौसला बुलंद है। हसदेव नदी से लगातार रेत की चोरी की शिकायत पर एसडीएम और पुलिस की टीम ने बलौदा क्षेत्र में दबिश देकर दर्जन भर ट्रैक्टर के खिलाफ खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। इन दिनों जांजगीर एसडीएम और पुलिस की टीम ने रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है, जिसके कारण खनिज माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। एसडीएम मेनका प्रधान और एसडीओपी की टीम ने बलौदा थाना के नवा गांव में छापामार कार्रवाई की, जहां जंगल के अंदर छिपा कर रखे रेत से भरे ट्रैक्टर और आनन फानन में चोरी से रेत परिवहन कर रहे ट्रैक्टरों को पकड़ना प्रारंभ किया। जिला प्रशासन की टीम को देख ट्रैक्टर चालक रेत को जंगल में फेंक कर भागने लगा। इस कार्रवाई में जिला प्रशासन की टीम ने 12 ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई की है। तहसील बलौदा अंतर्गत नवा गांव जो रेत घाट है, वहाँ हसदेव नदी से अवैध उत्खनन की शिकायत प्राप्त हो रही थी। तो मैं और डीएसपी दिनेश्वरी नंद, तहसीलदार बलौदा और थाना बलौदा माइनिंग के स्टाफ वहाँ गश्त पे गए थे 4:30-5 बजे के लगभग। तो वहाँ जब पहुँचे तो मौके पे बहुत सारे ट्रैक्टर्स जो है वहाँ लगे थे, लोड कर रहे थे। कुछ ट्रैक्टर्स को जंगल में छुपा दिया गया था। जैसे हम लोग पहुँचे, बहुत सारे ट्रैक्टर्स जो है अनलोड करने लगे रेत को और इधर उधर भागने लगे। तो हमने वहाँ पे 12 ट्रैक्टर जब्त किए और सभी को थाना बलौदा में सुपुर्दगी में दिया।